हेलो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स और आज से मैं पोकेमोन गेमिंग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहला पोकेमोन गेम जो आज हम खेलेंगे वो है पोकेमोन रेड वर्जन। तो फिर से बोलूंगा तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन रेड वर्जन के गेम प्ले के पार्ट वन में। तो बिना कोई देरी के चलो यार जल्दी से गेम को करते हैं स्टार्ट। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए। गेम स्टार्ट करने से पहले मुझे एक ऑप्शन में एक सेटिंग करना है, टेक्स्ट स्पीड को फर्स्ट करना है, क्योंकि अगर टेक्स्ट स्पीड फर्स्ट नहीं करेंगे तो टेक्स्ट बहुत ही स्लो आएगा। अब न्यू गेम से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर ओक इधर आ चुके हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हेलो देयर, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पोकेमोन। माय नेम इज ओक, पीपल कॉल मी द पोकेमोन प्रोफेसर। प्रोफेसर ओक, आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। दिस वर्ल्ड इज इनहेबिटेड बाय क्रीचर्स कॉल्ड पोकेमोन। फॉर सम पीपल पोकेमोन आर पेट्स, अदर यूज देम फॉर फाइट्स। मायसेल्फ, आई स्टडी पोकेमोन एज अ प्रोफेशन। फर्स्ट, व्हाट इज योर नेम। तो प्रोफेसर ओक ने फाइनली मेरा नाम पूछ लिया है और रेड एस जैक इनमें से मैं कुछ भी नहीं दूंगा, न्यू नेम देंगे। गेस करो कौन सा नेम दूंगा मैं। अभी तक गेस नहीं कर पाए तो बता दूं क्या तुम्हें क्या नेम दूंगा। अभी तक नहीं, इतना टेक्स्ट दे देने के बाद। हाँ फिनिक्स, और क्या दूंगा, तुम इडियट बाकास, इतना भी गेस नहीं कर सकते। राइट, सो योर नेम इज फिनिक्स। हाँ तो प्रोफेसर को पता चल गया मेरा नेम। दिस इज माई ग्रैंड सन, ही इज बीन योर राइवल सिंस यू आर अ बेबी। व्हाट इज नेम अगेन। तो प्रोफेसर को इनका नेम, इसके पोते का नेम पता नहीं है। तो दैट्स राइट, आई रिमेम्बर नाउ, हिज नेम इज गैरी। तो मैंने याद दिला दिया। फिनिक्स, योर वेरी ओन पोकेमोन लेजेंड इज अबाउट टू अनफोल्ड, ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम एंड एडवेंचर्स विद पोकेमोन अवेट, लेट्स गो। तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपने रूम में हूँ, ये मेरा माई ओल्ड बॉय कंसोल पड़ा है और ये इधर एक प्लांट है जिसका नेम मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। देखते हैं पीसी में कुछ मिलता है कि नहीं हमें। तो पीसी में एक हमें फ्री का पोशन मिला। तो अब नीचे चलते हैं रूम के, रूम में तो और कुछ नहीं है देखने के लिए, तो नीचे चलते हैं। तो नीचे कौन है देखते हैं। तो नीचे मॉम बैठी है, मॉम से बात करते हैं। राइट, ऑल बॉयज लीव होम समडे, इट सेट्स ऑन टीवी। प्रोफेसर ओक नेक्स्ट डोर वॉज लुकिंग फॉर यू। तो प्रोफेसर ओक मुझे ढूंढ रहे हैं पता नहीं क्यों। तो प्रोफेसर ओक को हम ढूंढने चलते हैं। प्रोफेसर ओक होंगे किधर, इससे पूछता हूँ। आई एम राइजिंग पोकेमोन टू, व्हेन दे गेट स्ट्रॉन्ग दे कैन प्रोटेक्ट मी। इसीलिए पोकेमोन को पालना चाहते हो। वैसे प्रोफेसर ओक के बारे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो इस बोर्ड में क्या लिखा है भाई, क्या है इस बोर्ड में, चलो देखते हैं। पैलेट टाउन सडस ऑफ योर जर्नी वेट। तो मेरे घर के पास में किसका हाउस है, गैरीज हाउस। तो ये अपना राइवल का हाउस है, इससे पूछते हैं, शायद ये बता देगा प्रोफेसर ओक है किधर। टेक्नोलॉजी इज इनक्रेडिबल, यू कैन नाउ स्टोर एंड रिकॉल आइटम एंड पोकेमोन एज ए डाटा बाय पीसी। बहुत ही सुपर टेक्नोलॉजी है। ओक पोकेमोन रिसर्च लैब, तो ये प्रोफेसर ओक का रिसर्च लैब है, शायद इसमें मिल जाएंगे हमें प्रोफेसर ओक, पता नहीं, अंदर जाके देखते हैं। आई स्टडी पोकेमोन एज प्रोफेसर ओक आईडी। तो ये प्रोफेसर ओक का आईडी है, आईडी मतलब असिस्टेंट, और ये लड़की क्या करती है। प्रोफेसर ओक इज द अथॉरिटी ऑन पोकेमोन, मैनी पोकेमोन ट्रेनर्स होल्ड हिम इन हाई रिग्रेट। ओके, और ये क्या करता है इधर। आई स्टडी पोकेमोन एज प्रोफेसर ओक आईडी, ये भी प्रोफेसर ओक का एक आईडी है, ये अपना गैरी राइवल है ना। यो फिनिक्स, क्रैफ इज एंड अराउंड। तो किधर गए हैं तेरे ग्रैंडफा। हो तो प्रोफेसर ओक तो अपने पोकेमोन लैब में नहीं है, पता नहीं किधर चल गए। तो चलो ढूंढते हैं, शायद इस तरफ होंगे। हे वेट, डोंट गो आउट। ओके, तो प्रोफेसर ओक को मिल गए हम। इट्स अनसेफ, वाइल्ड पोकेमोन लिव इन टॉल ग्रास, यू नीड योर ओन पोकेमोन फॉर योर प्रोटेक्शन। आई नो, हेयर कम विथ मी। तो प्रोफेसर ओक मेरे प्रोटेक्शन के लिए एक पोकेमोन देंगे शायद। तो चलो चलते हैं प्रोफेसर ओक के लैब में, उन्होंने बुलाया है मुझे शायद। ओके, तो इनमें से मुझे एक पोकेमोन चूज करना होगा शायद। क्रैप्स, आई फीड अप विथ वेटिंग। अभी तेरा ग्रैंडपा है, थोड़े बहुत वेट कर सकता है तू। लेट गैरी, लेट मी थिंक। ओ दैट्स राइट, आई टोल्ड यू कम जस्ट टू वेट हियर फिनिक्स, देयर आर थ्री पोकेमोन हियर। हा, दे आर इन साइड द पोकेबॉल्स। व्हेन आई वॉज यंग आई वॉज ए सीरियस पोकेमोन ट्रेनर, इन माई ओल्ड एज आई हैव ओनली थ्री लेफ्ट, बट यू कैन हैव वन चूज। ओके, तो हे क्रैप्स, व्हाट अबाउट मी, बी पेशेंट गैरी, यू कैन हैव वन टू। अबे थोड़ा बहुत इंतजार कर ले। तो हमें इन तीन पोकेबॉल में से एक पोकेमोन को चूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में है बल्बसोर, बल्बसोर नहीं चाहिए, और सेकंड है स्क्वेटल, स्क्वेटल भी बहुत अच्छा है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मतलब मेरे तीनों ही फेवरेट है, लेकिन सबसे फेवरेट है चार चार्जार्ड, और चार्जार्ड के लिए चार्मेंडर को चूज़ करना पड़ेगा।
इसलिए मैं फायर पोकेमोन चार्मेंटर चूज़ करता हूँ। अब ये ज़रूर स्क्वेडल चूज़ करेगा क्योंकि चालाक है गैरी, स्मार्ट है, और मुझे पता है ये स्क्वेडल ही चूज़ करेगा। आई विल टेक दिस वन देन। ओके, गैरी ने रिसीव किया स्क्वेडल, वो फायर एंड मे वाटर। इफ ए वाइल्ड पोकेमोन अफेयर्स, हाँ अगर आया, यूअर पोकेमोन कैन फाइट अगेंस्ट इट। चलो अब चलो, नया पोकेमोन मिला है तो बैटल करेंगे। वेट फिनिक्स, लेट चेक आउट आवर पोकेमोन। तो अब ये गैरी को क्या हुआ? कम ऑन, आई विल टेक यू ऑन। अच्छा ये मुझसे बैटल करना चाहता है, तो चलो फर्स्ट राइवल बैटल करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है मैं ही जीतूंगा। तो गैरी वॉन्ट्स फाइट, गैरी ने स्क्वेडल भेजा क्योंकि इसके पास स्क्वेडल ही है, इसीलिए, जैसे कि तुम्हें नहीं पता। ओके, तो ग्रोल नहीं स्क्रैच यूज़ करते हैं क्योंकि स्क्रैच से ही डैमेज देगा, ग्रोल से नहीं। ओके, स्क्वेडल ने टैकल यूज़ किया, टैकल ने डैमेज दिया ज़्यादा मुझे स्क्रैच से। लेकिन इसने फिर से स्टेल वीप यूज़ किया और मैंने स्क्रैच, क्योंकि मेरे पास वही एक अटैक है। ऐसे टेल वीप से मेरा डिफेंस फेल होगा, अगर इसका अटैक लगेगा तो ज़्यादा डैमेज देगा। देखो टैकल लग गया तो ज़्यादा डैमेज दे दिया पहले वाले से। फिर से स्क्रैच यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। अब इसने टेल वीप यूज़ किया और फाइनल स्क्रैच से स्क्वेडल गया फेंटेड, हो गया फेंटेड। ओके, तो कुछ एक्सपीरियंस मिला और चार्मेंडर ग्रो टू लेवल क्रो टू लेवल 6। तो गैरी डिफीट हो गया। व्हाट अनबिलीवेबल, आई पिक द रॉन्ग पोकेमोन। नहीं भाई, तूने कोई रॉन्ग पोकेमोन नहीं चूज़ किया है, तू हरा नहीं सकता। ओके, आई विल मेक माय पोकेमोन फाइट थ्रो इन अफ क्रैप्स, मिल यू लेटर। तो प्रनाउंसेंस के लिए माफ करना मुझे। ओके, तो चलो अब चलते हैं, नया पोकेमोन मिला है तो बैटल करने चलते हैं। तो हमें अपना स्टार्टर मिल चुका है, तो चलो अब कुछ वाइल्ड बैटल करते हैं। तो वाइल्ड बैटल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस ग्रास एरियाज में, क्योंकि इधर ही वाइल्ड पोकेमोन मिलेगा। इधर बोर्ड में क्या लिखा है? रूट वन पैलेट टाउन टू ब्रिडियन सिटी। ये पैलेट टाउन से ब्रिडियन सिटी जाने का रास्ता है। हाय, आई वर्क एट पोकेमोन मार्ट, इट्स ए कॉन्वर्समेंट शॉप, सो प्लीज विजिट अस इन ब्रिडियन सिटी। आई नो, आई विल गिव यू अ सैंपल, हियर वी गो। ओके, तो इस बंदे ने मुझे एक फ्री का पोशन दिया और इसने बोला कि ये काम करता है पोकेमोन मार्ट के, ब्रिडियन सिटी के पोकेमोन मार्ट में। ओके, तो अपना पहला वाइल्ड इनकाउंटर हो चुका है रैटाटा के साथ, तो इससे बैटल करते हैं। और मैं उस जिसने मुझे एक फ्री का पोशन दिया उस बंदे ने, उसके पोकेमोन मार्ट में मैं जाने वाला हूँ ब्रिडियन सिटी में। शायद कुछ और भी फ्री का चीज़ें मिल जाए मुझसे, मुझे फ्री का, इसी ले जाऊँगा मैं। तो फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था रैडेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट इनकाउंटर कौन सा पोकेमोन होगा। फिर से रैडेटा नहीं, इस पर आया अपना पीजी। मुझे एक पीजी चाहिए यार, इसके लिए मुझे, मैं अभी इस पीजी को पकड़ लेता अगर मेरे पास पोकेबॉल होता तो, लेकिन मेरे पास तो पोकेबॉल है नहीं। तो ये पोकेमोन मार्ट में शायद मुझे पोकेबॉल मिल जाएगा, जाके देखेंगे। ओके, तो मैंने स्क्रैच यूज़ किया, लेकिन अब इस वाइल्ड पीजी ने गस्ट यूज़ किया मेरे ऊपर, थोड़ा बहुत डैमेज दिया मुझे यार, बहुत अच्छा डैमेज दिया यार। फिर से इसने गस्ट यूज़ किया, मेरा 3 HP बचा और मैंने एक फाइनल स्क्रैच से इस पीजी को हरा दिया। और अपना चार्मेंडर ग्रो टू लेवल 7, तो 7 लेवल का हो गया अपना चार्मेंडर। तो चलो यार चलते हैं ब्रिडियन सिटी। ब्रिडियन सिटी जाने के लिए हमें इस रास्ते से ही होते हुए जाना पड़ेगा। सी दिस लीड्स अलॉन्ग द रोड, इट्स ए बिट स्कैरी बट यू कैन जंप फ्रॉम देम, यू नो यू कैन गेट बैक टू पैलेट टाउन क्विकर दैट वे। इसने मुझे शॉर्टकट बताया, इस शॉर्टकट को मैं यूज़ करूँगा बाद में अगर मैं पैलेट टाउन आऊँगा। ट्रेनर टिप्स, द पैडल मूव ऑफ पोकेमोन आर लिमिटेड बाय देयर पावर पॉइंट पीपी, टू रिप्लेस पीपी रेस्ट योर ट्रेड पोकेमोन एट ए पोकेमोन सेंटर। ओके, अगर मेरा पोकेमोन का HP कम होगा, मुझे हील करने के लिए इस पोकेमोन सेंटर में आना पड़ेगा। वेलकम टू आवर पोकेमोन सेंटर, वी हील योर पोकेमोन बैक टू परफेक्ट हेल्थ, शो वी हील योर पोकेमोन वेल। ओके वेल ओके, तो ये अपना पोकेमोन लेके हील करा देगी नर्स जॉय। इनसे एक काम करता हूँ, मेरे पास अभी 2 पोशन है
ओके यार, तुम देख सकते हो मेरा चार्मेंडर हील हो चुका है। इन लोगों से बात करते हैं। दे आर ए पोकेमोन सेंटर इन एवरी टाउन अहेड। दे डोंट चार्ज एनी मनी ईदर। तो ये पैसे नहीं लेते ये पोकेमोन सेंटर वाले। ओके ओके, तो हार्ट एंड फेंटेड पोकेमोन को हील कर सकता हूँ मैं। यू कैन यूज दैट पीस इन द कॉर्नर टू रिप्रेजेंट टोल्ड मी रिप्रेजेंटेंट टोल्ड मी सो काइंड। अच्छा, तो इस पीसी को मैं यूज़ कर सकता हूँ पोकेमोन सेंटर के सारे, और ये सारे टाउन में पोकेमोन सेंटर है एक एक करके। ओके, तो मुझे ढूंढना है ब्रिडियन सिटी में पोकेमोन मॉट, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें खरीदना है इसीलिए। ये बता सकता है क्या, यू वॉन्ट टू नो अबाउट द टू काइंड ऑफ कैटरपिलर और पोकेमोन? मुझे पता है लेकिन फिर भी तू बता भाई। कैटरपिलर हैज़ नो पॉइजन बट वीडल डज। वॉच आउट फॉर इट्स पॉइजन स्टिंग। पॉइजन स्टिंग के लिए मुझे एंटीडोट लेना पड़ेगा। ऑल योर आइटम नीड फुलफिल्ड पोकेमोन मार्ट। तो ये पोकेमोन मार्ट फाइनली आ गया है। यू कम फ्रॉम पैलेट टाउन? हाँ, मैं पैलेट टाउन से आया हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? यू नो प्रोफेसर ओक राइट? अबे पूरी कांटो जानता है प्रोफेसर ओक को, और तू बोलता है जानता है नहीं। हिज ऑर्डर कैम इन, विल यू टेक इट टू हिम? क्यों नहीं, फिनिक्स गॉट पार्सल। तो मुझे शायद प्रोफेसर ओक को पार्सल दे के आना पड़ेगा। इस पोकेमोन मार्ट वाले बंदे ने दिया है मुझे। नहीं, इसको ओपन कर सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं कर सकते। तो चलो फिर से पैलेट टाउन प्रोफेसर ओक के पास पार्सल देने। मैं पैलेट टाउन जाने के लिए वो एक बंदे ने, जो इस दूसरे वाले बंदे ने जिससे मैं मिला था रूट टू में, रूट वन में, इसका शॉर्टकट एडवाइस लूँगा और जल्दी से जा सकता हूँ मैं पैलेट टाउन बिना इनकाउंटर हुए किसी वाइल्ड पोकेमोन से। तो देखो तुम कितना स्मूथली आ गया मैं विदाउट एनी इनकाउंटर पैलेट टाउन। तो चलो देखते हैं प्रोफेसर ओक होंगे क्या या फिर निकल चुके हैं। नहीं है। ओ फिनिक्स, हाउ इज माई ओल्ड पोकेमोन? देख सकते हो तुम। वेल इट सीम्स टू लाइक यू अ लॉट। यू मस्ट बी टैलेंटेड एज ए पोकेमोन ट्रेनर। व्हाट, यू हैव समथिंग फॉर मी? ओके, तो उनको पार्सल दे दिया उनका। ऐसे पार्सल में है क्या था क्या? हाँ, दिस इज द कस्टम पोकेबॉल आई ऑर्डर इट, थैंक यू। तो कस्टम पोकेबॉल था। क्रैप्स, ओके गैरी पता नहीं कहाँ से आ गया। व्हाट डिड यू कॉल मी फॉर? पता नहीं, उनसे पूछ। ऑलराइट, आई हैव अ रिक्वेस्ट ऑफ यू टू। क्या रिक्वेस्ट है? ऑन द डेस्क देयर इज माय इन्वेंशन पोकेडेक्स। इट्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड डाटा ऑन पोकेमोन यू हैव सीन और कैच्ड। इट्स ए हाईटेक इंक्लूपीडिया। फिनिक्स एंड गैरी टेक दिस विद यू। ओके, तो पोकेडेक्स मिल गया हमें प्रोफेसर ओक से। इस पोकेडेक्स को करना क्या है? टू मेक ए कंप्लीट गाइड ऑन ऑल द पोकेमोन इन द वर्ल्ड। दैट वाज माय ड्रीम बट आई एम टू ओल्ड, आई कैन डू इट। सो आई वांट यू टू फ्लिप माय ड्रीम फॉर मी। गेट्स मूविंग यू टू, दिस इज ए ग्रेट एंड टॉकिंग इन पोकेमोन हिस्ट्री। ऑल राइट क्रैप्स, लीव इट ऑल टू मी। Phoenix, I hate to say it, but I don't need you. मुझे भी नहीं चाहिए तेरा साथ। I know, I will borrow a town map from my sis. I will tell her not to lead you on. Phoenix, ha ha ha. Okay. तो प्रोफेसर ओक ने हमें एक टास्क दिया है Pokédex को कंप्लीट करना, और गैरी ने मुझे बोला कि गैरी के सिस्टर के पास हमें एक टाउन मैप मिलेगा। तो चलो गैरी के हाउस और टाउन मैप ले लेते हैं। ग्रैंड पा आस्क यू टू रन एंड ट्रेंड अराउंड हियर, दिस विल हेल्प यू। ओके, तो हमें टाउन मैप मिल गया गैरी के सिस्टर के पास से। देखते हैं टाउन मैप में अभी हम है किधर। पैलेट टाउन में रूट वन, देन विरिडियन सिटी, रूट टू विरिडियन फॉरेस्ट, डिगलेट केव। ओके, तो ये पूरा कांटो का हमें मैप मिल गया। अब हम ट्रैवल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो वापस चलते हैं ब्रिडियन सिटी में, और ब्रिडियन सिटी के पोकेमोन मार्ट में जाएंगे क्योंकि मुझे पोकेबॉल खरीदना है कुछ। पिज्जी को तो अपना सेकंड पोकेमोन पिज्जी होगा, पिज्जी मुझे एक चाहिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं पोकेमोन मार्ट और पोकेबॉल खरीद के आते हैं। वैसे इस बंदे ने मुझे फ्री काम करा लिया, इस पोकेमोन मार्ट वाले बंदे ने फ्री का एक पोशन देके। ओके, तो ये अपना प्रोफाइल है,
फर्स्ट जिम लीडर कैरी है, उसके बाद मिस्टर कैरी नहीं, कैरी जिम लीडर कहाँ से आ गया, अपना ब्रॉक है, गलत बोल रहा हूँ। तो हाय देयर, मे आई हेल्प यू? हाँ मुझे चाहिए पोकीबॉल्स। कितने ले पोकीबॉल? 5, 8, 9, 10 लेते हैं। वैसे मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, एंटीडोट ले लेते हैं कुछ, 3 एंटीडोट ले लेता हूँ, काम आएगा ब्रिटेन फॉरेस्ट में। नहीं यार, पैरालाइज हील ले लेता हूँ, तो बर्न हील 1 ले सकते हैं, क्योंकि पैसे नहीं है, रियल लाइफ में भी पैसे नहीं है, गेम में भी पैसे नहीं है। वाओ ये लोग क्या खरीद रहे हैं? नो पोशन आर ऑल सोल्ड, पोशन नहीं है इस शॉप में। दिस शॉप सेल्स मैनी एंटीडोट्स, क्योंकि पास में ब्रिलियंट फॉरेस्ट है, और तुम समझ सकते हो क्यों ये ज़्यादा एंटीडोट्स बिक्री बेचते हैं। वैसे अब चलो पकड़ते हैं कुछ वाइल्ड पोकेमोन। ओके, तो फर्स्ट इनकाउंटर हुआ पिज्जी। पिज्जी को कैच करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, डैमेज नहीं, या लड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हेल्थ कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कैच कर सकते हैं, मतलब जल्दी कैच हो जाएगा विदाउट एनी वेस्ट ऑफ पोकेबॉल्स। तो पोकेबॉल यूज़ करते हैं, अब देखते हैं कैच कर पाता है, कर पाते हैं कि नहीं। ऑल राइट, तो 1 चांस में हमने कैच कर लिया है पिज्जी को, और ये पिज्जी का पोकेडेक्स में भी एंट्री हो गया। नहीं, निकनेम नहीं चाहिए मुझे, निकनेम देना नहीं आता मुझे। ओके, एक और पिज्जी, लेकिन मैं कैच क्यों करूँ पिज्जी को? ओके, रैडेटा भी मिल गया। वैसे रैडेटा को भी कैच कर लेते हैं, वैसे रैडेटा को मैं यूज़ नहीं करने वाला, फिर भी कैच करके पिज्जी में डाल देंगे। ओके, तो पोकेबॉल किधर गया? डैमेज तो दे दिया मैंने इसे, लड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद ही कैच कर सकते हैं हम जल्दी से। ऑल राइट, रैडेटा वॉज कैच, इसका भी पोकेडेक्स एंट्री हो गया। 19 नंबर का है ये रैडेटा। ओके, तो 2 पोकेमोन तो कैच कर लिया है। वैसे इधर हमें रूट ऑन में 2 ही मिलेंगे, तो अब चलो चलते हैं पोकेमोन सेंटर, क्योंकि हील कराना पड़ेगा थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ये क्यों बोला मैंने? ओके, नर्स जॉय हील कर रही है मेरे पोकेमोन को, एंड रैडेटा को पीसी में रखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये ब्रिटेन सिटी को। तुम अभी देख सकते हो अपने पोकेडेक्स में, अभी तक मैंने 4 पोकेमोन को देखा है, और मैं ओन करता हूँ 3। सिर्फ मेरे पास स्क्वेडल नहीं है। वैसे मैं अभी कैरी के साथ फिर से बैटल करके आया हूँ, और बहुत ही गंदा हारा मैंने। उसका पोकेमोन का लेवल 9 था, तो मैं भी अभी इधर ट्रेन करने वाला हूँ, और अपने 2 पोकेमोन को 9 लेवल का करूँगा। तो तुम देख सकते हो चार्मेंडर का लेवल हो गया 8, और फिर से बहुत सारा ट्रेनिंग करने के बाद इसका लेवल हो गया 9 चार्मेंडर का, और इसने एक नया अटैक एम्बर भी सीख लिया। अब बारी है ट्रेन करने का पिजी को। तो पिजी का तुम देख सकते हो लेवल बहुत ही कम है। तो सबसे पहले मैं बैटल किया एक रैडेटा से, उसको हराने के बाद अपना पिजी का लेवल हुआ 4, एंड देन फिर से एक रैडेटा, और उसके बाद 5, और उसने सैंड अटैक सीखा, एंड 6, ऐसे करते करते 7 का भी हो गया ये, और रैडेटा फिर से, एंड 8 एंड 9 लेवल का हो गया। दोनों पोकेमोन को ही मैंने 9 लेवल का कर दिया है। अब जाएंगे पोकेमोन सेंटर, हील करेंगे, हील करने के बाद फिर से जाएंगे साले गैरी के पास, और उसके बाद गैरी की गुड्डी तोड़ेंगे। तो नर्स जॉय, प्लीज हील माय पोकेमोन्स। तो नर्स जॉय ने अपने मेरे पोकेमोन को तो हील करा दिया। अब इस रैडेटा को तो मैं यूज़ नहीं करने वाला, तो इसको वैसे लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता, इसीलिए मैं पीसी में रखने वाला हूँ अपने रैडेटा को। डिपोजिट कर देते हैं रैडेटा को। रैडेटा से कौन पैटर है, मतलब रैडेटा कौन यूज़ करता है गेम्स में? तो चलो चलते हैं कैरी के पास। कैरी इस इंडिगो लीग में है, इंडिगो लीग जाने का रूट में है, तो चलो चलते हैं। अबे ये इधर इनकाउंटर हो गया नीडोरैन से। वैसे मुझे तो कंप्लीट करना है पोकेडेक्स, तो क्यों ना नीडोरैन तो इनकाउंटर हो ही चुका है मुझसे,
तो क्यों ना इसे कैच किया जाए। तो पहले मैंने यूज़ किया इसके ऊपर गस्ट और तुम देख सकते हो कितना डैमेज दिया मेरे पिची ने इसे। तो अब पोकी बॉल यूज़ करते हैं और कैच कर लेते हैं इस नीडरलैंड को एंड ये कैच हो गया। वैसे इसका पोकेमोन पोकेमोन नहीं पोकीडेक्स में एंट्री कितना है, मतलब पोकीडेक्स में इसका नंबर कितना है, ये 32 नंबर का है ये। अब चलो फिर से चलते हैं कैरी कैरी से बैटल करने। आ गया ये कमीना। कैरी इस बार तू मुझे आसानी से नहीं हरा सकता है। हे फिनिक्स यू आर गोइंग टू पोकेमोन लीग फॉरगेट इट यू प्रोबेबली डोंट हैव एनी बैजेस। हाँ मेरे पास नहीं है टी गार्ड वोंट लेट यू थ्रू। बाय द वे डिड योर पोकेमोन गेट एनी स्ट्रॉन्गर। देखना है तुझे मुझे मेरे देखना है तुझे मेरे पोकेमोन को कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। अभी दिखाता हूँ तेरे को, भेज तेरे पोकेमोन को बैठ। अच्छा पिज्जी है तेरा, तेरे पास 9 लेवल का, लास्ट टाइम भी यही था। और देख मेरा भी पिज्जी 9 लेवल का हो चुका है। ओके तूने सैंड अटैक यूज़ की करके मेरे एक्यूरेसी फेल कर दिया मेरे पोकेमोन का, अब अटैक नहीं लगेगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा चार्मेंडर। चार्मेंडर का लग जाएगा क्योंकि ये अबे तू फर्स्ट अटैक अभी तो तूने किया अटैक फिर से कर लिया, अब इसका चार्मेंडर का एम्बर नहीं लगेगा क्योंकि एक्यूरेसी फेल हो चुका है। इसीलिए ग्रोल यूज़ करते हैं। इसका अटैक फेल हुआ, फिर साले ने सैंड अटैक उसके एक बार अटैक लग जाए बस। ओके तो लग गया, डैमेज दिया थोड़ा बहुत और फिर से इसने सैंड अटैक यूज़ किया और मैंने फिर से एम्बर एंड लेकिन एम्बर लगा नहीं। इस बार इसने गस्ट अटैक किया, गस्ट ने थोड़ा बहुत डैमेज दिया और फिर मेरे चार्मेंडर को बोला एम्बर यूज़ कर और क्रिटिकल हिट लग के ज़्यादा ही डैमेज दे दिया इसको इसके पीजी को। और एक स्क्रैच यूज़ करना पड़ेगा बस अपना काम हो जाएगा, लेकिन मैंने एम्बर यूज़ करना चाहा और एम्बर वर्क नहीं किया लेकिन लास्ट अटैक वर्क कर गया लास्ट एम्बर और इसका पीजी तो फेंडेड हो गया। अब ये यूज़ करने वाला है स्क्वेटल इसका स्टार्टर पोकेमोन। तो मैंने चेंज किया चार्मेंडर को, बोला कि वापस आ जा भाई पिज्जी को लड़ने दे, तू ही सिर्फ बैटल करेगा, पिज्जी को भी थोड़ा बहुत बैटल करने दे। तो फर्स्ट अटैक किया मैंने गस्ट एंड गैरिक स्क्वेडल ने यूज़ किया बबल। बबल से भी ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, 5 HP डैमेज दिया और फिर से मैंने गस्ट यूज़ किया क्योंकि गस्ट ही है मेरे पास एक अटैक करने वाला मूव। और इसके स्क्वेडल ने टैकल यूज़ किया एंड मैंने फिर से गस्ट यूज़ किया और इसका स्क्वेडल हार गया क्रिटिकल हिट लेके। और पिज्जी ग्रो टू लेवल 10, तो पिज्जी अपना 10 लेवल का हो गया। कैरी अब क्या बोलेगा, ओह यू जस्ट लक इट आउट, अबे हार गया बस लक हो गया ये लक, क्या बोल रहा है तू। आई हियर पोकेमोन लीग हैज मेनी टफ ट्रेनर, आई हैव टू फिगर आउट हाउ टू गेट पास देम, यू शुड क्विक ड्रॉलिंग एंड गेट मूव ऑन। इसने सही बात बोला यार, मैं इधर बहुत टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे इधर से निकलना है और बैजेस जीतना है पोकेमोन इंडिगो लीग के लिए। तो मैं इधर ढूंढ रहा था कुछ इस ग्रास में कुछ पोकेमोन की कुछ नया पोकेमोन मिल जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं मिला, वही रैटाटा है पिज्जी एंड नीडोरैन दिखा रहा था जिनको मैंने पकड़ के रखा है। तो उधर अपना टाइम लॉस्ट करने के बाद मैंने सोचा चलो अब पोकेमोन सेंटर चलते हैं और आज का एपिसोड को इधर ख़त्म करते हैं। तो नर्चॉय हील कर दो मेरे पोकेमोन को, वैसे मज़ा आया यार इस एपिसोड में। ओके अगर मेरे इस वॉइस मतलब अगर तुम्हें नॉइज़ वॉइस सुनाई दे रहा होगा तो इससे इग्नोर कर देना एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, तब तक मैं सेव कर लेता हूँ फाइल और तुम सब्सक्राइब कर लो।